कि चंडीगढ़ चुनाव से जो आज असंवैधानिक गैर कानूनी काम भाजपा ने इस मेयर के चुनाव में किया से एक सीख हम सबको अवश्य लेनी चाहिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा, क्योंकि अगर इस बार इसी छल कपट से इंडिया गठबंधन को हराकर भाजपा फिर जीत जाती है तो शायद इस देश में चुनावी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए और भारत देश चीन या नॉर्थ कोरिया जैसी डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगा। यह बड़ा खतरनाक आज संदेश इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव से निकला है। मेरी देशवासियों से अपील है कि इस पर जरूर गौर फरमाइएगा और अपने वोट की ताकत से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डालिएगा। देखिए, अभी आज अभी हम अपने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी मिलकर बैठेगी, आगे क्या सड़क से लेकर कोर्ट से लेकर संसद तक क्या लड़ाई लड़नी है उसकी रूपरेखा बनाएंगे और अवश्य न्यायपालिका का दरवाजा भी जरूर खटकाएंगे। आप सब जानते हैं कि 18 जनवरी का चुनाव जब पोस्टपोन हो गया तो उसकी नई तारीख फरवरी में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषित करी। उस तारीख को जल्द लाने के लिए, इलेक्शन को जल्द कराने के लिए भी हमें न्याय लेने के लिए भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था और आज भी न्याय पाने के लिए हमें अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो हम जरूर कोर्ट जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। जब करेंगे तो बता देंगे। इतिहास तो रच दिया, मैं तो सहमत हूं। आज जो सांसद चंडीगढ़ से जो है किरण खेर जी, उन्होंने कहा कि हमने इतिहास रच दिया और ये राघव चड्ढा और पवन बंसल के लिए संदेश है। मैं और बंसल साहब दोनों हाथ जोड़कर कबूलते हैं, आप लोगों ने तो इतिहास रच दिया, लेकिन इतिहास राष्ट्रद्रोह करने में रचा है आपने, इतिहास असंवैधानिक गैर कानूनी काम करने में रचा है और आपने इतिहास लोकतंत्र की हत्या करने में रचा है। ऐसा इतिहास रचना आपको और आपकी पार्टी को मुबारक। हमारी पार्टी अवश्य लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, उसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। ये सत्ता की बात नहीं है, इसमें ये नहीं कि मेरा जिस पार्टी का है कि उस पार्टी का है, हम सत्ता में आ गए वो सत्ता में आ गए। ये लड़ाई अब उससे कहीं बड़ी है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर आप खुद सोचिए कि एक मेयर जैसे छोटे से चुनाव में अगर बीजेपी ये हरकत कर सकती है तो 2024 के चुनाव में अपनी आंखों के सामने हार देख बीजेपी क्या क्या गैर कानूनी काम करेगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भाई हमें आज नहीं कहा जा सकता अभी आगे को क्या करेंगे। आज तो पहला दिन है, आज तो मेयर के अभी हमारे काउंसलर्स वहाँ धरने पे बैठे हैं, अभी तो धरने पे वहाँ बैठे हैं। हम देखेंगे उनका क्या रवैया रह रहा है, आगे हम क्या करेंगे। 2024 का लव वो इलेक्शन लोकसभा का वो इस वक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चीज पहले बंसल साहब पूरा कर लें, बंसल साहब उन्हें पूरा करने दीजिए, लेट हिम फिनिश। बंसल साहब ऑफिसर के बारे में पहले 10 जनवरी को भी वही नोटिफिकेशन आई कि उन्हीं को प्रेजिडिंग ऑफिसर बनाया गया, उसके बाद दोबारा से जब नई स्थिति आई तो उसके भी अली मसीह को बनाया गया। नहीं, जरूरत नहीं थी, वो कहने की जरूरत नहीं थी। इतना उन पे हमें विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए। अगर वो उसको अपॉइंट करते हैं, वो आए हैं बिल्कुल अच्छे बैठ के आज कर रहे हैं, तो वो दर्शाता है कि उस दिन वो सब एक होक्स था, उस दिन वो झूठ था उनका कि मेरी बैक पेन दिनों से। देखिए एक मिनट, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था, हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि इस पूरी इलेक्शन प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी और उस वीडियो का संज्ञान हाईकोर्ट खुद लेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जब इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस का वीडियो पहुंचेगा और ऑनरेबल जजेस अपनी आंखों से खुद देखेंगे कि कैसे भाजपा के माइनॉरिटी विंग के एक पदाधिकारी जो प्रिसाइडिंग अफसर बने, अपने ही पेन से निशान लगा लगाकर बैलेट पेपर को अवैध घोषित कर रहे हैं, ये सारी चीजें जब हाईकोर्ट के सामने आएंगी तो हाईकोर्ट अवश्य कार्रवाई करेगा। पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन मिलके सड़क से लेकर संसद तक, न्यायपालिका से लेकर सड़क तक क्या लड़ाई लड़नी है, आगे क्या रूपरेखा होगी, उस पर अवश्य चर्चा करेंगे और
हाईकोर्ट का दरवाजा भी जरूर खटखटा।